हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे अवर सब्जेक्ट इज ईएनवी। ओके, इन अवर ईएनवी सब्जेक्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज ऑनलाइन क्लास। ओके, माय नेम इज चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। मैं आप ही के जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। दिस डे आई स्पेंड माई टाइम बाय वेटिंग अबाउट द डे व्हेन आई वाज यंग। ये ना डेज मैंने ऐसे स्पेंड किए हैं जिसके लिए मैंने अपने यंग यानी जब मैं छोटी थी तब से यानी इस चीज़ का वेट करती थी कि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊँगी करके। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू। यानी ये जो मेमोरीज़ है यानी मेरी जो जर्नी है वो मैं आपको आपसे शेयर करूँगी। ओके, सो चेतना दास आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती है। ओके, ए बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर ओल्ड। मुझे यहाँ तक याद है जब मैं 9 साल की थी। आई मस्ट हैव बीन सम 60 ईयर्स अगो। यानी इट मस्ट हैव बीन ओवर 16 ईयर्स अगो। यानी 60 साल पहले की बात है। दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन देरा गाजी खान। यानी वो देरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। अभी वो जो प्लेस कहाँ पे है वो पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देर वर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस। यानी उस टाइम में हमारे आसपास बहुत सारी मुश्किलियाँ थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। यानी एक दिन मेरे बाबा ने आके घर पे कहा कि हमको ये जो गांव है वो छोड़ना पड़ेगा और हमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मैं बहुत दुखी हो गया कि है ना मुझे मेरा ना गांव और मेरा जो शहर वो छोड़ना पड़ेगा। ओके, मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड। जहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, बाबा अम्मा माई यंगर ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर एंड आई टुक ए ट्रेन टू कम हियर। यानी हमने सब ने एक है ना ट्रेन पकड़ी यहाँ पे आने के लिए। नियर दिल्ली, दिल्ली के पास। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव। हमारी तरह ही बहुत सारे लोग वहाँ से है ना यानी गांव छोड़ के यहाँ पे आ गए। पीपल वर सेइंग दैट अवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी लोग कह रहे थे कि जो हमारा देश है यानी हमारा जो है ना कंट्री है वो दो है ना पार्ट में है ना हो गए हैं, इंडिया और पाकिस्तान में। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव्ड टू इंडिया। यानी बहुत से लोग वैसे ही इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे जैसे कि हम पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टे इन अ कैंप। कुछ समय के लिए हम लोग सब कैंप में रहे। वी लिव्ड इन बिग टेंट दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। यानी हम है ना एक बड़े से टेंट में रहते थे जो एक मैदान के ऊपर बना हुआ था। ए न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। ठीक है, एक दिन है ना बाबा ने हमको कहा कि हमको है ना सोना विलेज में कुछ है ना जगह मिली है। ठीक है, कुछ ज़मीन मिली है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर। हमको हमारा जो घर है वो वहाँ बनाना पड़ेगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा जो थे वो घर को बनाने के लिए बहुत ही यानी हार्ड वर्क कर रहे थे। वी चिल्ड्रंस ऑल्सो हेल्प। और हम है ना जो बच्चे थे हम भी बहुत उनकी मदद कर रहे थे। बाबा डग द सॉइल। बाबा क्या कर रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे। एंड वी क्विकली
फिल द पेंस एंड पास देम एंड ऑन टू अम्मा, और हम उसको पेंस में भर रहे थे और अम्मा के पास लेके जा रहे थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हग्स इन इट, गुड़िया और अम्मा जो है वो उसमें हग्स मिला रहे थे, ठीक है। बाबा पुट अप द बॉल, बाबा ने एक बॉल यानी खड़ी की। वी बॉट काउ डक्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, हम है ना गोबर के उपले काउ डक्स जो है वो हमारे आसपास जो घर है वहाँ से लेके आ रहे थे। अम्मा मिक्स्ड इट विद विद द मड, और अम्मा क्या कर रही थी, जो काउ डक्स यानी गोबर का जो है ना गोबर जो है वो उसमें मिक्स कर रही थी, ठीक है। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, यानी जैसे कि वो अपने हमारे जो पुराने हाउस में करती थी। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, अम्मा है ना बोल रही थी कि इंसेक्ट यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे घर से दूर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब है ना बारी थी रूफ यानी छत के बनने की बारी थी। बाबा मेड ए फार्म बाय जॉइंट स्ट्रिप ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द फोर वॉल्स, ठीक है। फिर है ना बाबा ने क्या किया, एक रूफ बनाया स्ट्रिप जो वुड का स्ट्रिप जोड़ जोड़ के और उसको फिक्स किया कहाँ पे, जो उन्होंने चार दीवारी बनाई थी उसके ऊपर। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड केकर ट्री ऑन द फ्रेम, हमने क्या किया नीम और केकर ट्री का जो है ना की जो ब्रांचेस है वो फ्रेम के ऊपर यानी छावनी के लिए रख दिया। सो दैट टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड, जिससे है ना जो टर्माइट है कीड़े मकोड़े हैं वो है ना वुड को हार्म ना करे। अम्मा पुट ओल्ड ग्रनी बग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड, फिर है ना अम्मा ने एक है ना यानी ओल्ड ग्रनी बैग्स जो है उसके ऊपर यानी रख दिया जिससे वो यानी कवर हो गया, ठीक है, और उसको मड से कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, यानी हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे वो हमारे घर की तरह ही बने हुए थे। ए फ्यू वर डिफरेंट, उसमें से कुछ जो है वो अलग अलग थे, बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, पर मुझे मेरा घर बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, ये हमारे पुराने घर की तरह दिख रहा था। फाइंड आउट एंड राइट, देखो और फिर लिखो, ठीक है, उसके बारे में सर्च करो और लिखो। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपके दादा और दादी के साथ बात कीजिए, एंड एनी अदर एल्डर पर्सन, या फिर कोई बड़ा हो तो उनसे बात कीजिए। फाइंड आउट वैन शी और ही वॉज 8 or 9 years old, जब वो 8 या 9 साल के थे तो उन्होंने क्या किया, वेर डिड शी और ही लिव, कहाँ वो लोग कहाँ रहते थे, नेम दैट प्लेस, उस प्लेस का नेम लिखना है। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अपने एल्डर से नहीं तो ग्रैंड पेरेंट से पूछ के लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट है ए चेंज हाउस, ठीक है, ए चेंज हाउस। टाइम पास्ड क्विकली, यानी समय जल्दी जल्दी बीतता गया। आई फिनिश्ड माई स्टडी एंड गॉट ए जॉब, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक है ना नौकरी ज्वाइन कर ली, ओके, जॉब मिल गई मुझे। अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, यानी अम्मा और बाबा मेरी शादी कराना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, ठीक है, यानी मैंने सोचा कि है ना जब यानी शादी करने से पहले मैं है ना अपने घर को थोड़ा रिपेयर कर लूँ और एक और रूम बनवा लूँ, ठीक है। इन दोज डेज, उन दिनों पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट,
जो है ना सिटीज़ में जो पीपल रहते थे वो सीमेंट का यूज़ करते थे. दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्ग. वो ऐसा कहते थे कि ये घर को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है. वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट. हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज़ करेंगे. वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. ठीक है, हमने आयरन और सीमेंट का यूज़ किया न्यू रूम बनाने के लिए. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल. यानी उस दिन उन दिनों है ना जो है ना ब्रिक्स यानी जो ईट पत्थर होते हैं वो भी अवेलेबल थे. वी मेड द वॉल्स विद दैम. हमने उससे दीवारें बनाई. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल. जो ईंटों से रहना दीवार बनाई वो बहुत ही यूजफुल थी. वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. हमको कहना वॉल को कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी नहीं पड़ती थी एवरी वीक. यानी मिट्टी का है ना अगर वॉल होता था तो उसको हर है ना वीक क्या करना पड़ता था, मिट्टी से है ना कोट करना पड़ता था. ठीक है, वंस ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल. यानी हमको एक बार में ही है ना जो वॉल को वाइट वॉश करना पड़ा. वी ऑल्सो बिल्ड ए स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड. और हमने कोर्ट यार्ड में एक छोटा सा किचन भी बनाया. द किचन हैड अ मड चूल्हा. किचन में जो था एक मड यानी मिट्टी का चूल्हा था. एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. और बर्तन रखने की जगह भी बनाई थी. देन आई गॉट मैरिड. उसके बाद मेरी शादी हुई. एंड माई वाइफ सुमन कम टू आवर न्यू हाउस. और मेरी जो वाइफ सुमन थी वो हमारे घर पे नए घर पे आई. टू कुक सुमन यूज़ टू सीट ऑन द फ्लोर इन द किचन. सुमन है ना किचन के फ्लोर पे ही बैठती थी. वी ऑल यूज़ टू सीट ऑन मैट इन द किचन. और हम लोग किचन में मैट के ऊपर बैठते थे. ईट टुगेदर और एक साथ खाते थे. इट वॉज अ हैप्पी टाइम. वो बहुत ही खुशी का दिन था या समय था. पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज. उस समय में जो पीपल थे वो यानी टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते थे. सम ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस. और कुछ है ना घरों में यानी टॉयलेट के लिए सेपरेट प्लेस बनाए जाते थे. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. यानी हमने भी घर के पीछे यानी ब्रिक्स से छोटा सा टॉयलेट बनाया था. ओके, चेतन दास टेल्स द पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट एंड टेक अवे द वेस्ट. यानी चेतन दास कहता था जो है ना बस्ती में जो है ना लोग रहते थे वो आते थे टॉयलेट साफ करते थे और जो वेस्ट था वो लेके चले जाते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. उनको घर पे है ना घुसना मना था. द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम. यानी जो पीपल थे जो टॉयलेट यूज करते थे वो उनको क्लीन नहीं करते थे. ठीक है, तो इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस. क्या आपके घर पे कोई टॉयलेट है? हु क्लीन इट. अगर है तो उसको कौन क्लीन करता है? मोर चेंजेस यानी उसके लाइफ में और चेंजेस आए. माय टू सन एंड डॉटर ए डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस. उस है ना घर में मेरे है ना दो बेटे और एक बेटी बॉर्न हुए. टाइम पास समय बीतता गया. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडी. बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की. 15 ईयर अगो 15 साल पहले अवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड. हम मेरी है ना जो बेटी थी उसकी शादी हो गई. एंड मूव टू पालवाल. वो एक पालवाल नाम के विलेज में चली गई. ठीक है, व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड. जब राजू को ना शादी करने वाला था वी फेल दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड. यानी हमको ऐसा लगा कि हमको नए है ना ब्राइड के लिए नई है ना जो दुल्हन के लिए
घर को पूरा सजाना चाहिए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रेक, वापस से है ना वो ईट का यूज़ किया। वी ऑल्सो यूज दैम फॉर द बॉल एंड पुट अ लिंटन फॉर द रूफ, फिर है ना हमने रूफ में है ना लिंटन है ना पुट किया। वी यूज मार्बल्स चिप्स, हमने मार्बल चिप्स यूज़ किया एंड सीमेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, और सीमेंट यूज़ किया फ्लोर को फैंसी बनाने के लिए। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, फिर टॉयलेट में क्या किया हमने पाइप इनपुट करा है जिससे जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाए। द किचन वॉज मेड बिगर, किचन को और बड़ा किया। नाउ राजू'स वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, अब राजू की जो वाइफ थी वो क्ले चूल्हा यूज़ नहीं करती थी। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, यानी वो जब है ना गैस स्टोव में कुकिंग करती थी वो खड़े खड़े यानी कुकिंग करती थी। ओके, सेइंग न्यू थिंग, नई चीज़ें देखना। My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. ठीक है, मेरा जो छोटा बेटा था Montu वो दिल्ली में चला गया जब उसको नई नौकरी जॉब मिली। ओके, नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली, अभी वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। सुमन एंड आई स्टे विथ Montu फॉर सम मंथ इन ईयर, यानी हम सालों में सुमन के हम सालों में Montu के साथ उसके घर पे रहने जाते हैं। ठीक है, एंड विथ राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और है ना जो बाकी के 3 महीनों में हम राजू के साथ सोहना में रहते थे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना, यानी दिल्ली और सोहना के बीच का रास्ता, वी थ्रो गुरुग्राम, हम गुरुग्राम में जाते थे। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर, यानी उसके बीच में बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलते। ए फ्यू ईयर अगो राजू रिनोवेट द टॉयलेट एंड द बाथरूम, यानी कुछ साल पहले राजू ने टॉयलेट और बाथरूम को रेनोवेट कराया, वापस से बनवाया। ही यूज कलर टाइल्स इन हीज बाथरूम, उसने अपने बाथरूम में कलर टाइल्स है ना लगवाए। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर द प्लेस टू हैव अ बाथ, यानी नहाने के लिए वहाँ पे कितना यानी पैसा यानी स्पेंड किया उसने, खर्चा किया। आई एम नाउ 70 years old, मैं अभी 70 साल का हूँ। इन ऑल दिस ईयर, इन सालों में आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, मैंने बहुत सारे चेंजेस देखा। ठीक है, इवन इन माय ओन हाउस, मेरे घर पे भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। आई डोंट नो वेयर माय ग्रैंड चिल्ड्रन विल वांट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी, और मुझे नहीं पता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कहाँ पे रहना चाहते और उनका घर कैसा होगा। आई वंडर व्हाट द हाउस आर लाइक इन देहरा गाजी खान टुडे, और पाकिस्तान में जो है ना विलेज में वो रहते थे अभी वहाँ का घर कैसा होगा। एंड हाउ अबाउट ऑल फ्रेंड्स, यानी जो वो उनके जो दोस्त थे वेयर विल दे, और वो अभी कहाँ हैं उनको कोई आइडिया नहीं है। वॉट अब नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें मैंने आंसर्स भी राइट डाउन किए हैं। व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, यानी आपका घर बनाने में आपने कौन बनने में उसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। सो यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ बेसिक है ना मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, टाइल्स, वुड, आयरन रॉड्स एक्सेट्रा। ओके, ये सब यूज़ होते ही हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, यानी आपका कोई दोस्त है तो उसका घर कौन से मटेरियल से बना हुआ है। इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट, अगर उसमें कोई डिफरेंट है तो उसमें आपको राइट डाउन करना है। ओके, वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव, अब किस तरह के घर में चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन से वो रहेंगे। एनी गेस तो आप लिख सकते हैं अगर अपने हिसाब से लिखना चाहें तो।
ओके नेक्स्ट है वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, यानी जब आप बड़े होंगे तो आपको कहाँ रहना पसंद रहे, किस तरह के घर में आप रहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, यानी किस तरह का घर आप पसंद करेंगे. ओके आई हैव रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ. Has some of those material been used in your house? उस तरह के material आपके घर में use किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो उनके नाम लिखने हैं. Pupil are given name according to the work they do. ठीक है, pupil को उनके ना काम के हिसाब से नाम दिया जाता है. For example, a person who work with wood is called carpenter. यानी जो है ना wood लकड़ी का काम करता है उसे हम carpenter कहते हैं. In your place, what do you call a person who work with wood? यानी आपके यहाँ पे जो person है ना लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ पे भी carpenter ही कहते हैं. Okay, now look at the picture and fill in the table. ठीक है, हमको picture देखना है और हमको जो नीचे table दिया है उसको fill करना है. Okay, यहाँ पे What tools are they show using the picture? यानी कौन से tools picture वो use कर रहे हैं picture में. Okay, write them in the given table. ठीक है, और उसे हमको कहाँ लिखना है, table में लिखना है. जैसे कि electric wires, screwdriver, कौन use करता है, electricians. Pipe, cutter, pillars, ये कौन use करता है, plumber. Cement, sand, etc. ये कौन use करता है, mason. तो ओके, डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, यानी जो आना इस तरह के काम करता है, टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए. फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, उनके काम के बारे में डिस्कस कीजिए. ओके आपके फ्रेंड के साथ. ओके विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, यानी आपके जो घर में कोई भी हो. गो टू प्लेस वेयर द बिल्डिंग इज़ बींग कंस्ट्रक्टेड, यानी यहाँ वहाँ पे जाता हो जहाँ पे यानी बिल्डिंग बन रही है. टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स जानना है. ठीक है, उनसे. ओके यहाँ पे ओवर द सिक्स ईयर, यानी 6 सालों में डिफरेंट मटेरियल वर यूज एट डिफरेंट टाइम ऑफ चेतन दास हाउस. हमको जो मटेरियल है वो ये बॉक्सेस में लिखने हैं, चेतन दास के जो हाउस में मटेरियल्स यूज हुए हैं. लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर, उसको अपने उसके करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है. ओके सो योर चैप्टर इज एंड दिस इज योर एंड ऑफ दिस योर चैप्टर. ओके We will meet in our next class with new videos. So, bye.